साईं तू न करे। तो सारेगामा पा जो एक्सपीरियंस रहा मेरा टॉप 10 तक बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त बनाए ने, तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले ने जिन्होंने सानू गाने की शिक्षा दी। तो टॉप 10 में पुजना मेरे वास्ते बहुत बड़ी गल है। ਵਾਲੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਚੈਮ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਦੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਵਾਈ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਨਰ ਅਪ 2 ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇਹਦੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵ ਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜੰਜ ਮੋੜ ਦੇ, ਖੇਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜੰਜ ਮੋੜ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜੰਜ ਮੋੜ ਦੇ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾ सामने तू आता। ना वास्तव कुमार है, मैं जिला गुरदासपुर गांव पिंड हाले का रहने वाला। तो जो कि सारे गा पा की जो शुरुआत है, जिस बारे मैं पता लगे चैनल तो लगे, तो वो सनी चाचू ने मैंने दसा कि इदा सारे गा पा की ऑडिशन है। मेरे सनी चाचू ने जिन्हों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे न, दिल्ली तो लैके मुंबई तक, मुंबई तो लैके टॉप ग्रैंड प्रीमियर तक, ग्रैंड प्रीमियर तो लैके टॉप 10 तक जितने तक मैं पुजे। सारे गा पा की जो शुरुआत हुई है वो मेरी हुई है दिल्ली विखे। दिल्ली जो मैं फर्स्ट ऑडिशन दिता लैवल 1, लैवल 2, लैवल 3। लैवल 1 तो लैवल 2 पहले दिन हो गया सी, लैवल 2 मेरा भी पहले दिन हो गया सी, लैवल 3 है जो अगले दिन नैक्सट डे सी। तो लैवल 1 तो लैवल 2 बहुत ही अच्छे गए, तो लैवल 3 वास्ते मैंने गाना प्रिपेयर करने वास्ते दिता गया सी। गाने का नाम से अज दिन चढ़िया राहत फतेह अली खान साहब जी का, जो कि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि चाबी गुम होने के कारण जितने मैं स्टे कर रहा सी गुरुद्वारा साहिब जी विखे, उत्थे मेरी चाबी गुम हो गई सी रूम की, तो जिस करके मैं नहीं गाना प्रिपेयर कर पाया। लेकिन जिन्ना भी हो सकया मैं किया, वो गाना प्रिपेयर करके अगले दिन जिसने सुनाया तो उन्होंने बहुत अच्छा लग्या। फिर उस तो बाद मैंने मुंबई लिए सिलेक्शन दिता गया। मुंबई जाके सब तो पहला तो उत्थे 87 बच्चे से, उत्थे 87 बच्चे से जो कि मुंबई ऑडिशन देने वास्ते आए थे सारे गाँव पा दें। तो उत्थे 10-15 दिन साड़ी रिहर्सल चली है, गाना मेरा सिलेक्शन होया सी तुम्हें दिल्ली की, जो कि थानू पता ही है, तुसी सारे ने सुनिया होया। तो वो गाने ना बहुत ही ज़्यादा प्यार मिले मैं सारे का। उस गाने तो बाद मैं सिल्वर मैडल दिता गया। उस तो बाद मैगा ऑडिशन से बैटर राउंड इस बार होया मेरा चैतन्य दावड़े ना, जिस विच आप दोवें ने देवा श्री गणेशा गाना परफॉर्म किया। गाने भी बहुत ज़्यादा प्यार मिले पूरी दुनिया का। तो गाने तो बाद मैं सिलेक्शन दिता गया टॉप 12 में। उत्तों जाने तो बाद ग्रैंड प्रीमियर चलिया, ग्रैंड प्रीमियर का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस तो बाद टॉप 11 होया, उस तो बाद टॉप 10 में मैं एलीमिनेट कर दिता गया। तो सारे गा पा जो एक्सपीरियंस रहा मेरा टॉप 10 तक बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त बनाए ने, तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले ने जिन्होंने सानू गाने की शिक्षा दी। तो टॉप 10 में पुजना मेरे वास्ते बहुत बड़ी गल है। जजिस ने मैंने बहुत अच्छे टिप्स देते, क्योंकि सारे गाँव पा बच्चे अगर किसी बंदे किसी बच्चे ने भी अगर जाना है तो उस हर गाने की प्रिपेयरिंग होना बहुत जरूरी है। सूफी हो गया, बॉलीवुड हो गया, वारियाँ हो गई, और भी जिदा रोमांटिक गाने हो गए, गाने सारे गाने एक सिंगर नूं आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो जिसने मैंने टिप्स दी है कि थानू बॉलीवुड गाने के भी आने चाहिए ने, तो उस टिप्स में मैं पूरा पूरा अपना जो कि अपना टाइम दे रहा बॉलीवुड गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ चीज़ अपने फादर साहब को सीख रहे हैं, कुछ चीज़ अपने चाचू को सीख रहे हैं, इतने चलता पाया हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं सारे गाँव पा टॉप 10 तक पहुँचे। गायकी की जो गुड़ती है ये मैं अपने फादर साहब जी को ली है, जो मैं होश संभाली है अपने पापा ने, मैंने मेरे फादर साहब ने सारा कुछ सिखाया है, तो उन्होंने को ही मैं सीखता अजे भी उन्होंने सीख रहा हूँ जी। मेरा नाम अशोक रंगीला, वैसे मेरा नाम अशोक कुमार है, तो गायकी फील्ड में मतलब कि अशोक रंगीले के नाम जानते हैं लोग मैनू। तो सफ़र वास्तव का बड़ा अच्छा रहा, गाँदा तो बचपन तो सी, क्योंकि पहले मैं भी सिंगिंग करता सी, मेरी वाइफ भी, असं दोनों जी सिंगिंग करते रहे हैं। साढ़े बारी कोई यहोजे प्लेटफॉर्म नहीं सी जिदा के अज प्लेटफॉर्म मिलते पे ने बच्चों,
अपना टॉयलेट दिखा दे। तो असी माड़ा मोटा गुजारा बुजारा साडा चलता सी। फिर 2017 दे विच ना मैनू थोड़ी हार्ट रिलेटिड प्रॉब्लम हो गई। असी किसी फंक्शन ते गए थे, प्रोग्राम च गए थे, उत्थे चलते चलते मैनू प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उस तो बाद ना मैनू बहुत मतलब कि समझो कि मैं काम करन जोगा नहीं रह हिसाब दा। तो उस तो बाद फिर नाल ही वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 4 वो आ गया। उदे विच असी वास्तव दी ऑडिशन दवाई, ऑडिशन तो पहले तो दिंदा सी। तो चलो परमात्मा की कृपा नाल इन उस विच रनर अप 2 की जित हासिल की। इन वास्तव कितनी एज ही उदो सी? 13 साल। उस तो बाद फिर जदों ये उत्थों जित के आया, इहदी पहचान बन गई अपने पंजाब लैवल ते, ते लोकां विच मतलब कि पता लग गया कोई वास्तव नाम दा छोटा बच्चा गाँदा। चलो साढ़े भी थोड़े बहुत लिंक है सी पहले। फिर उस तो बाद थोड़े जे साडे हालात ठीक हो गए, क्योंकि मेरे बीमार होने की वजह करके साडे हालात थोड़े खराब हो गए। फिर ये है भी वास्तव की बुकिंग आनी शुरू हो गई, छोटे मोटे प्रोग्राम लादा गया है। उस तो मतलब कि प्रोग्राम ला रहा है, चल रहा है, मतलब कि काफ़ी साड़ी मतलब कि समझो कि एक हिसाब की बहुत हैल्प की इस बच्चे ने साड़ी, साडा बच्चा होने के बावजूद। टॉप 10 पुजा सर, साडे वास्ते टॉप 10 लैवल बहुत वड्डा लैवल है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बड़ी भाती जानना, क्योंकि सारे गावं पा देते ऑडिशन ही नहीं क्लीयर होंगी। बहुत सारे बच्चे ऑडिशन तो ही क्लीयर रह जाते हैं, जो क्लीयर नहीं कर पाते ऑडिशन। तो सानू बहुत खुशी है इस वेले, क्योंकि इस बहुत सारा नाम बनया। बाकी जो टॉप 10 तो जो वापस आए तो प्रोग्राम भी अच्छे लगाए ने, वास्तव ने अच्छे बजट के प्रोग्राम मिल रहे हैं सानू। हुण साडा हुण मतलब कि जिहड़े हालात सी पहले नालों काफ़ी अच्छे हो गए ने। फ्यूचर बारे की आस रखते हो? फ्यूचर बारे सर यो आस रखते हैं भी ये तो वह तरक्की करे, जिदा होर कंपीटिशन आते हैं, राइजिंग स्टार आता, इंडियन आइडल आता, जहाँ साड़ी कोशिश है कि इनू किसी पिक्चर में गाना वगैरह मिल जाए। तो यदि जी मतलब कि सिंगिंग विद दी लाइफ है, मतलब कि एक बड़ा उच्चे लैवल का सिंगर बने, यो चाहते हैं सर।